Hello dear students, good morning to all of you. Today we have a topic, torque experienced by an electric dipole in uniform electric field. आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। आपको बताया था पैरेलल एक पूरी स्पेस्ड लाइन होती है, जिसमें हमने एक डाइपोल रखा, क्या रखा, डाइपोल रखा। डाइपोल को भी आप जानते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू होता है, इसकी लेंथ 2a होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है, इसके जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई का एफ बाई क्यू, तो उस हिसाब से एफ का फॉर्मूला हो गया क्यू ई, तो एफ वेक्टर हो गया क्यू ई वेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम रखनी है तो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, अपोजिट है। तो हमने क्या करना है डियर, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स तो फील करेगा ही करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स फील करेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, है ना। और अगर मैं यही बात करता हूं नेगेटिव चार्ज के साथ में तो नेगेटिव चार्ज भी उतना ही फोर्स फील करेगा, बट वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसा कि सेटअप हमें बता रहा है। नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब आप मुझे बताइए, अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अप्लाई होते हैं तो वो बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रोटेट। तो ये जब बॉडी को रोटेट करेगा तो ये डाइपोल इस तरीके से घूमना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, टॉर्क अप्लाई हो जाएगा, सही बात है। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं, क्यों मेंटेन कर रहा हूं, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की लाइन क्या है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई, हम इसको मान लेते हैं ए और बी से, है ना। तो फोर्स कितना है डियर, फोर्स तो एफ लग रहा है, दोनों तरफ एक ही है, कोई से भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, एक लाइन, एक फोर्स इस लाइन पर है, एक फोर्स इस लाइन पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा, बीएम। टॉर्क को किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं, है ना। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, साइन थीटा लगाता हूं अगर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम बताइए एबीएम, दिख रहा है आपको एबीएम, ए बी एम, साइन थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी एम, 90 के सामने हाइपोटेनस क्या हुआ, ए बी, तो बी एम का वैल्यू कितना हो गया, ए बी ए साइन थीटा, ए बी का वैल्यू कितना है, 2a, तो ये हो गया 2a साइन थीटा। बी एम की जगह पर हमने फोर्स का वैल्यू रखा क्यू ई, यहां से बी एम का वैल्यू रखा 2a साइन थीटा, तो क्यू 2a, इन दोनों को मिला दिया P sin theta, Q2A को क्या बोलते हैं अपन, P बोलते हैं, याद है आपको, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p, जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, है ना। तो ये हमारे पास सेटअप आ गया। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, P क्रॉस E, सही है, P और E के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉप काम करेगा, है ना। तीसरी बात, जो केसेस है, फर्स्ट केस मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा हो और डाइपोल मोमेंट भी आपका इधर ही जा रहा हो, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, पीई के पैरेलल है, थीटा कितना हुआ, जीरो। अगर मैं टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा में थीटा की जगह जीरो डिग्री डालता हूं तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये कैसा टॉर्क हुआ, मिनिमम टॉर्क हुआ। और अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा और डाइपोल को ऐसे रखना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, पी और ई में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मतलब क्या हुआ, 1, यानी कि टॉर्क कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो समझने वाली बात है कि एक समय मिनिमम टॉर्क होता है, एक समय मैक्सिमम टॉर्क होता है। मिनिमम टॉर्क जो होता है
वो हमें पैरेलल कंडीशन में मिलेगा, यानी कि उस समय डाइपोल रोटेट होने वाला नहीं है, और जब वो डाइपोल परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये डेरिवेशन दो नंबर से थ्री मार्क्स में, टू मार्क्स थ्री मार्क्स में आती रहती आई हुई है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फिर। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक उसके साथ ही टॉपिक लिया जाएगा गॉस थ्योरम। एक छोटा सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इस डेफिनेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक एरिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देता नहीं था, तो हमने कॉपी में दिखाने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चाहिए होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहां से पास हो रही है, किसी एरिया से पास हो रही है। तो जितनी ज्यादा, सपोज कीजिए सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल के जा रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज इक्वल टू द, मतलब जो फ्लक्स होता है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। किस किस का प्रोडक्ट होने वाला है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया। मतलब अगर मेरे पास ये एक छोटा सा एरिया है जिसका वैल्यू हम मान लेते हैं डीए, डीए मतलब समझ रहे ना, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन अपन ने पढ़ा है लास्ट टाइम पे, नॉर्मल टू द सरफेस बाहर की तरफ होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा है। तो इसने हमें क्या बोला था, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मली 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से नॉर्मल 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट बनाएगा, कितना कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट बना रहा है 90 डिग्री पे, ई कॉस थीटा बना रहा है। तो ई कॉस थीटा इंटू इंटू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया एंड एरिया एंड एरिया। एरिया कितना था, डीए था, डीए का मल्टीप्लाई हो गया है। अब ये स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, तो डी फाई का फॉर्मूला हो गया ई डी ए कॉस थीटा। अगर मुझे ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसको हम ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है ना बचपन में, ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसका मतलब है एनक्लोज्ड सरफेस। क्या मतलब है एनक्लोज्ड सरफेस, एक्चुअली जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, फ्लक्स कभी भी निकाला जाएगा तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो हमेशा किसी एनक्लोज्ड सरफेस से आ रहा है, बंद सरफेस से आ रहा है, ओपन नहीं है, सरफेस पूरी तरीके से क्लोज्ड एनक्लोज्ड होनी चाहिए। ओके, गॉस थ्योरम में क्या है, गॉस ने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये जो फ्लक्स सीख रहे हैं निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये कोई मान लीजिए गॉसियन सरफेस होगा, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ये हमने सीखा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने चार्ज की है? तो जो एनक्लोज्ड बाय गॉसियन, इस पूरी ये गॉसियन सरफेस है, सपोज गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होती है। गॉस थ्योरम गॉस एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें एक सरफेस को एनक्लोज कंसीडर करना पड़ता है और वही गॉसियन सरफेस कहला दिया। तो यहां पर ये आने वाला है सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू का क्या मतलब है, जिसमें वो सारे चार्जेस एनक्लोज हो रहे हो, यानी कि ये सब, तो हम इसको सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। ये आपका गॉस थ्योरम हो गया। अगर ये फॉर्मूला भी है, ये भी फॉर्मूला, दोनों फ्लक्स के फॉर्मूलाज हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू द सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमारी पूरी तरीके से हेल्प करेगा आने वाले टॉपिक गॉस एप्लीकेशन में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार है, गॉस थ्योरम तैयार है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली हमने गॉस थ्योरम लास्ट पढ़ा है अभी, और हम ये गॉस का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से गॉस के तीन एप्लीकेशंस हैं जिसे हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली
इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग है, दोनों तरफ इनडायरेक्ट जा रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब पूरी तरीके से इस पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। आपको लैम्डा याद आ रहा होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यूज आने वाला है इसमें ना। देखिए अब इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे, सपोज ये वायर का पॉइंट लिया मैंने, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। गॉस एप्लीकेशन है तो सीधी सी बात है, गॉस थ्योरम का यूज तो आने ही आना है। तो इस पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इस पी पॉइंट को कवर करना है। कैसे कवर करना पड़ेगा? ये पी पॉइंट ऐसे ही नहीं कहीं से चल के आता है, हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले इस वायर में बैठे हुए जो चार्जेस है इन्हें कवर करना पड़ता है। अब वायर की शक्ल कैसी होती है, वायर आप समझ सकते हैं सिलेंड्रिकल होता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस जो हम सिलने जा रहे हैं वो कौन सी है, सिलेंडर ही होगा। तो हम यहाँ पे आर रेडियस और एल लेंथ का एक सिलेंडर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आर रेडियस और एल लेंथ का एक सिलेंडर। वो सिलेंडर इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि वो जो है हमारे पी पॉइंट से भी पास हो जाएगा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब इस सिलेंडर पे हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया कंसिडर करना है, जैसे कि एक इसके टॉप पार्ट पे कर लिया, एक इसके बॉटम पे कर लिया, एक इसकी कर्व्ड सरफेस पे कर लिया, इसका एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर ऐसा हमने पढ़ा है, जैसे कि मुंडा होता है सिलेंडर होता है, इसके टॉप का एरिया इधर ऊपर चला जाएगा, कर्व्ड का इधर चला जाएगा, बॉटम का इधर चला जाएगा, है इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। इसका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका एरिया किधर जाएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ चला जाएगा, इसको सरफेस नंबर 1, 2 और 3 नाम दे दीजिए, है ये पॉजिटिव चार्जेस है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा, सही है। इधर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा, इधर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा। यहाँ पे क्या एंगल है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का है। यहाँ पे ई और डी के बीच में क्या एंगल आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, सही बात है। हम किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गॉस की। हमने लास्ट एक रिजल्ट निकाला हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी इज इक्वल टू द सिग्मा क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि जो वायर हमने लिया है वो वैसे तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, बट हमने जिसका सेक्शन लिया सिलेंड्रिकल पार्ट वाला उस पर कितना चार्ज है, क्यू। तो q चार्ज l लेंथ, आपको कुछ याद आ रहा हो q बाय l लैम्डा भी कहा जा सकता है, बड़ा है ना, लैम्डा क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ। ओके, अब इस e डॉट da जो फ्लक्स है वो निकालना है, फ्लक्स किससे निकलेगा, इस पूरी वायर के चार्जेस है, ये पूरी वायर किससे कवर्ड है, सिलेंडर से, तो सिलेंडर से फ्लक्स निकल के जाएगा, सिलेंडर के टॉप से भी जा सकता है, बॉटम से भी, कर्व्ड से भी, तो हमने यहाँ पे सिलेंडर लिख दिया। बट हम सिलेंडर को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, तीन पार्ट कौन कौन है डीएन हमारे पास, एक सरफेस नंबर 1 है, एक सरफेस नंबर 2 है और एक सरफेस नंबर 3 है। तो हमने सरफेस नंबर 3, 2, 1 ले लिया है, हम इन तीनों सरफेस के लिए वन बाय वन बात करने वाले हैं। ईडीए का मतलब क्या होता है, ईडीए कॉस थीटा होता है, ई डॉट डीए का मतलब क्या होता है, ईडीए कॉस थीटा होता है। अगर हम सरफेस 1 को देखें, सरफेस 1 ई और डीए कितना एंगल है बीच में, थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है और यहां 90 गया तो क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है। तो सरफेस 1 के लिए जो है वो मामला ई डॉट डीए का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे सरफेस 2 को देखें तो थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। ई और डीए कैसे हैं आपस में, पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो हम इसको ईडीए कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये ईडीए बच जाएगा। कौन सी सरफेस के लिए बचेगा, कर्व्ड वाली के लिए। सरफेस 3 के लिए देखेंगे तो थीटा वापस कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पे दिख रहा है थीटा 90 है, तो इन दोनों के बीच में 90 होने से वापस से ईडीए ई डॉट डीए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, कुछ समझ आ रही है बात आपको। अब इन तीनों का यूज हम यहाँ पे कर देते हैं, सो टोटल फ्लक्स ये वाला क्या हो गया, 0, ये वाला भी क्या हो गया, 0, ये वाला बच गया, ठीक है, इक्वल। सिग्मा क्यू की जगह कितना चार्ज कवर्ड है, कितना चार्ज कवर्ड है भाई, क्यू चार्ज कवर्ड है, तो क्यू चार्ज कवर्ड है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सरफेस कौन सी वाली है, सेकंड नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा पूरा है, उसको बाहर निकाल दिया, एरिया किसका है, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा, डीए का हो जाएगा। कौन सी सरफेस है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर सरफेस कौन सी है, कर्व्ड सरफेस है,
कर्व का सरफेस का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का, भूल गए, 2πRh, h मतलब लेंथ, ये वाली हाइट है ना, इक्वल टू में क्या चल रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, तो E इज इक्वल टू q बाय, इसको अपन डिवाइड में ले लेते हैं यहाँ पे ना, सही है, और q को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल भी तो लिख सकते हैं, q को हम लोग लैम्डा लिख देंगे, तो l से कट हो गया, लैम्डा बाय 2πε0 साथ में r, सही है, अपन इसको 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये ऐसा हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा आपका k, k याद है कि भूल गया, फर्स्ट क्लास e का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय r हो गया है ना, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहूं तो e वेक्टर इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, r कैप लगा दूंगा है ना, अगर हम इसका ग्राफ देखें किस किस के बीच में बनेगा ग्राफ, e और r के बीच में, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे r बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, हम अगर जानना चाहें कि जीरो कहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखते हैं तो आपको आर की जगह पे क्या वैल्यू लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर जाके जीरो होगा, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जहां इस चार्ज की रेंज खत्म हो जाएगी वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि बहुत बड़ी डिस्टेंस, बहुत बड़ी, जो मेरे क्राइटेरिया के बाहर है, जो इस चार्जेस की अप्रोच के बाहर है, बस वही क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि मून पे जाना है, सन पे जाना है, इन्फिनिटी का मतलब जो मेरी अप्रोच के बाहर है, जहां तक मैं सोच नहीं सकता, जो मेरी सोच के बाहर है, मेरे क्राइटेरिया के बाहर है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है, ये गॉस की फर्स्ट एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन लेते हैं,